हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। यूटीबी आधार पर चयनित एएनएम इन दिनों स्वास्थ्य विभाग कार्यालय के चक्कर लगाती नजर आ रही है। थान नगरी बाड़मेर जिला मुख्यालय पर लेकिन कोरोना का प्रभाव कम होने से इन चयनित अभ्यर्थियों को विभाग द्वारा ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है। मंगलवार को भी एएनएम पदों पर चयनित युवतियों और महिलाओं ने जिला स्वास्थ्य भवन पहुंचकर रोष जाहिर किया और सीएमएचओ डॉक्टर बाबूलाल विशोई से मुलाकात कर अपनी पीड़ा जाहिर की। एएनएम पदों पर चयनित महिलाओं ने बताया कि राज्य सरकार ने 27 अप्रैल एवं 5 मई 2021 को आदेश जारी कर बाड़मेर जिले में यूटीबी आधार पर 250 पदों पर एएनएम की भर्ती निकाली थी और पदों को भरने के लिए 19 जुलाई 2021 को विज्ञापन भी जारी किया था। चयनित एएनएम का विभाग पर आरोप है कि भर्ती की विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद से लगातार चयनित युवतियों और महिलाएं स्वास्थ्य विभाग के चक्कर लगा रही हैं, लेकिन उन्हें ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है। उनके अनुसार विभाग की ओर से हर बार उन्हें सिर्फ आश्वासन ही मिलता आया है, लेकिन ज्वाइनिंग नहीं मिल पा रही है। एएनएम पद पर चयनित महिलाओं ने बताया कि ज्वाइनिंग नहीं मिलने से उन्हें ओवरएज होने की चिंता सताने लगी है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के नाम सौंपे ज्ञापन में एएनएम पदों पर चयनित महिलाओं और युवतियों ने ज्वाइनिंग दिलवाने की मांग की है। गौरतलब है कि कोरोना की दूसरी लहर की भयावहता को देखते हुए राज्य सरकार ने बाड़मेर जिले में यूटीबी के आधार पर एएनएम के 250 पदों पर भर्ती निकाली थी, लेकिन जैसे ही कोविड का प्रभाव कुछ कम हुआ तो सरकार ने इनकी ज्वाइनिंग को लेकर कोई स्पष्ट निर्देश नहीं जारी किए। इससे चयनित अभ्यर्थी ज्वाइनिंग की आस लिए जिला स्वास्थ्य भवन के चक्कर लगाते नजर आ रहे हैं। नेतू कृष्णा, पुष्पा मीरा, अनदु विमला सुगनी, गुड्डी प्रेमी, हस्तु वर्मा। जागरूक टीवी की बाड़मेर से ठाकरा मेघवाल की रिपोर्ट।